थर्ड रोड ठीक कर लो डॉक्टर, जर्मनी का फोटो जा रहा है। ये अब आई ज्यादा एक जगह फिक्स मत हुई है और ये पॉलीग्रीन हो जो हमने ये ग्राफ्टेड है, मदर ब्लॉक है, ये बैक बोन है इसकी। कम से कम 150 kg के समय आ रही है क्योंकि ये छोटा पौधा नहीं, जैसा मदर ब्लॉक है उसकी यील्ड भी कम लेनी चाहिए, उससे कम फ्रूटिंग लेना है हमने। इस स्कीम का जो मेन मकसद है सर, ये हमारा एक्रेडिटेशन एंड रेटिंग जो है तो स्कीम का नाम है, और इसका मेन मकसद है जो फार्मर्स हैं, जो हमारी उनकी जो सपोज आज नर्सरी है, कोई भी फार्मर जो है तो कहीं से सपोज नर्सरी एक्रेडिटेड नहीं है और वो प्लांटिंग मटेरियल खरीद के ले जाता है, 2-3-4 साल बाद जब उसका जो है वो आता है, प्रोड्यूस आता है, पता उसको तब पता लगता है कि भाई ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो मैं लाया। तो अगर NHB से ये नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम है, एक्रेडिटेड और रेटेड नर्सरी है, तो उसमें उसका जो मेन मकसद है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 to 2 type एंड डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल है, यानी कि बीमारी से भी ग्रसित ना हो और वो 2 to 2 type हो, क्योंकि हमारा जो मेन थ्रस्ट है वो इसी के ऊपर है। और हम लोग यहाँ जम्मू में, ये सिर्फ सांभा डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, हमारे पास इस टाइम कम से कम 50 नर्सरी हैं, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर की भी हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी हैं, सभी को। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो लोकली इस एरिया में फार्मर्स एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको प्लांटिंग मटेरियल के लिए उनको कोई चीट ना करें और वो बाहर ना जाएं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना जाएं, दूसरे UT या स्टेट में ना जाएं, उनको लोकली बढ़िया क्वालिटी का और बेहतरीन प्लांटिंग मटेरियल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाए। ये स्कीम का मेन मकसद है जी।